मोहम्मद जाहिद जी, हाँ जी सर, मैं आपका प्लैनेट आयुर्वेदा सेंटर में स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। जैसा जी, जैसा कि आज आप आए हैं प्लैनेट आयुर्वेदा में डॉक्टर विक्रम सर से मिलने फॉलोअप ट्रीटमेंट के लिए, हाँ तो जी आपका कौन सी बीमारी का यहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा था? सर, मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस था। तो ये कितने समय पहले ये डिटेक्ट हुई थी अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम? यह जी 2018 में 7वें महीने शुरू हुई सी प्रॉब्लम। अच्छा, जुलाई 2018 में डिटेक्ट हुई हाँ जी थी। हाँ, क्या क्या सिम्टम्स थे उस वक्त? उस वक्त सिम्टम थे, टॉयलेट में ब्लड आता था, म्यूकस आता था, और बार बार जाना पड़ता था, 10 से 15 बार जाना पड़ता था टॉयलेट में। अच्छा, तो इस अल्सरेटिव कोलाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए सर आपने कहाँ कहाँ पे दिखाया? सर मैंने मेरे शहर में दिखाया था, मलेरकोटला में हाँ जी सिविल हॉस्पिटल में, ठीक। उन्होंने मेडिसिन दी थी। तो कितना आराम मिला आपको उस मेडिसिन से? उससे मेरे को 2 मंथ खाई मैंने दवाई हो हाँ जी मेडिसिन, उससे फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, तो फिर डॉक्टर विक्रम सर के बारे में आपको कैसे पता चला? सर मैंने यूट्यूब पे देखा था, यूट्यूब पे आपने वीडियो हाँ देखी? डॉक्टर साहब का वीडियो देखा था, तब मैं यहाँ आया था इनके ठीक, पास। तो यहाँ से ट्रीटमेंट कितने टाइम से चल रहा है आपका? यहाँ से 3 महीने खाया है, ट्रीटमेंट दिया है, यहाँ से मेडिसिन खाई है डॉक्टर साहब ने जो दी थी, 3 महीने से ठीक हो गया। तो आप कंसल्टेशन के लिए यहाँ सेंटर में आए थे या आपने ऑनलाइन ट्रीटमेंट शुरू किया नहीं, था? मैं पहली बार यहीं आया था, डॉक्टर साहब से मिलकर ही लेकर गया था अच्छा, मैं। डॉक्टर साहब से आपने अपॉइंटमेंट ली और यहाँ पे आप आए कंसल्टेशन के हाँ लिए। जी तो हाँ जी, किस तरह की मेडिसिन डॉक्टर विक्रम सर ने आपको प्रिस्क्राइब की थी? आप अपनी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो दिखा दीजिए। ये दीजिए। ये नवंबर महीने की है प्रिस्क्रिप्शन 2018। फिर उसके बाद दिसंबर, फिर ये जनवरी, फिर और अब आप आए हैं फॉलोअप ट्रीटमेंट के लिए और आपकी डॉक्टर सर ने जो मेडिसिन्स हैं वो बंद कर दी हैं हाँ जी बंद कर दी। क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है। हाँ जी हाँ, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? फिजिकली कैसा फिट हैं आप बिल्कुल? आप हाँ जी हाँ, बहुत बढ़िया फिट कितना है। परसेंट रिलीफ मिल चुका है? ये बिल्कुल बीमारी आपकी क्योर हो चुकी है? हाँ जी हाँ, 99% क्योर है। बिल्कुल क्योर हो चुकी हाँ जी है। हाँ, और इस ट्रीटमेंट के दौरान आपने खान पान में भी कोई चेंज किया? कोई डाइट में चेंजेस किए हाँ जी आपने? हाँ, इन्होंने डॉक्टर साहब ने डाइट चार्ट दिया था, उन्होंने फॉलो किया पूरा एंड वगैरह, तो फिर ठीक हो गया। अच्छा, किस तरह का डाइट चार्ट था? पचहत्तर क्या क्या आपने चेंजेस किए? कुछ हमारे व्यूअर्स को, आप व्यूअर्स का शेयर कीजिए। एक तो मिल्क प्रोडक्ट बंद कर दी, जैसे दूध, लस्सी, पनीर, ये चीजें बंद कर दी। ठीक है, मिल्क एंड जो मिल्क प्रोडक्ट्स हाँ हैं जी वो आपने बंद हाँ किए? हाँ जी हाँ, 70% तो रिलीफ डाइट से, जो डाइट चार्ट देते हैं ना जी उससे। बिल्कुल, डाइट का इस बीमारी में काफी बड़ा हाँ जो जी है रोल हाँ, बहुत होता रोल है है। इसका, डाइट का इसमें। अच्छा हाँ जी सर, हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जो कि इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस के ही पेशेंट्स होंगे उसमें से, हाँ उन्हें जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? देखो ही उन्होंने तो यही कहना है भी आयुर्वेदिक के बच्चे आना चाहिए जेड़े भी पेशेंट ने, हाँ क्योंकि जी एलोपैथिक के बच्चे तो उन्होंने रिलीफ नहीं मिलता, ठीक है। आयुर्वेदिक अपनाना चाहिए। और मैं तो कहूँगा डॉक्टर विक्रम सर के पास ही आए, हाँ जी यहाँ से अच्छा ट्रीटमेंट होगा आपका, जो भी पेशेंट होगा। हाँ ठीक है, थैंक जी यू मोहम्मद जाहिद जी, आप प्लेनेट आपदा में आए, आपने व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी, थैंक यू आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।